दोस्तों, अगर आपके पास भी एक DSLR है तो आपको भी कैमरा बैग की ज़रूरत पड़ती ही होगी। आप कई जगह ट्रैवल करते होंगे और कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप अपना कुछ सामान भूल गए होंगे घर पे या ला नहीं पाए होंगे इस वजह से, क्योंकि आपका जो कैमरा बैग है वो छोटा पड़ गया है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक ऐसा ही बढ़िया सा कैमरा बैग जिसमें आप काफ़ी सारा अपना कैमरा गियर वगैरह संभाल कर रख सकते हैं। और ख़ास बात इस बैग की ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट भी है और इसमें जगह भी काफ़ी है। तो आइए दोस्तों स्वागत है ihelp यूट्यूब चैनल पे आप सभी का, और आज मेरे पास है एक और नया प्रोडक्ट। तो आइए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। दोस्तों, तो ये है हमारा आज का प्रोडक्ट, लियोप्रो कैमरा बैग, जिसे मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से। तो आइए जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। तो क्या करें, आजकल अमेज़ॉन पैकिंग में काफ़ी कंजूसी करने लगा है, इस तरह के रैपर में लपेट के दे देता है बस। तो अनरैप करते हैं इसे अनबॉक्स, तो क्या ही होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का बैग आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी है वो है Lowepro। सामने इसका टैग लगा हुआ है, इसमें दिखाया गया है कि बैग कैसा है। वैसे तो वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ अभी इसे खोल के। बाकी इसमें और क्या क्या दिया गया है, यहाँ नीचे दो चीज़ दी है, UltraFlex और CradleFit। पीछे इसमें शायद प्राइस भी हुआ, प्राइस जो इसमें दिया गया है वो है 5,990, जबकि अमेज़ॉन पे मुझे ये पड़ा है 3,650 रुपये का। सो काफ़ी डिफरेंस है जो टैग प्राइस टैग में दिया गया है और ऑनलाइन जो प्राइस मिला है। तो जल्दी से इस बैग को खोलते हैं और देखते हैं। तो बैग को देखा जाए, पहले बैग देख लेते हैं। सामने Lowepro की ब्रांडिंग है और साइड में यहाँ पर एक बॉटल होल्डर वगैरह दे रखा है और ये स्ट्रैप भी है। तो पीछे से बैग कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा और यहाँ साइड में एक और बॉटल होल्डर है और ये स्ट्रैप भी है। तो बैग के शुरू में ही ऊपर एक छोटा सा चेन देखने को मिलता है, जिसे ओपन करें तो अंदर काफ़ी तो क्या छोटा सा ये कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपने छोटे मोटे चीज़ें रखते हैं। और अब खोलते हैं इसका दूसरा कंपार्टमेंट, वो ये है। यहाँ पे अंदर और कई मल्टी कंपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, एक दो, यहाँ आप अपना वॉलेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं जो आप चाहें। बाकी और अंदर मैं देखूँ तो इसके थर्ड कंपार्टमेंट को हम खोलते हैं, जो कि इसका मेन कंपार्टमेंट है जहाँ हमारा सारा कैमरा गियर वगैरह आएगा। अच्छा, यहाँ से भी अनलॉक करना पड़ेगा, ये अच्छा है, डुअल सिक्योरिटी हो गई है ये तो। तो ये देखिए दोस्तों, बैग अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं चार छोटे छोटे अलग कंपार्टमेंट जिसमें आप अपने हिसाब से इन्हें सेट कर सकते हैं। ये इस तरह से वेलक्रो दिया जाता है, इसमें आप इसे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर बड़ा लेंस रखना है तो एक छोटा दीजिए, दो छोटे लेंस रखने हैं तो इस तरह लगा दीजिए, और यहाँ पर आप दो छोटे छोटे लेंस भी रख सकते हैं। बाकी ये क्या है, ये है सिलिका जेल, सौंफ समझ के मत खा लेना, काफ़ी काम की चीज़ होती है वैसे, रैक छोड़ना चाहिए बैग के अंदर। तो बैग में ऊपर इधर देखूँ मैं तो यहाँ दिया है 32 GB लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, की कार्ड वगैरह कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, जबरदस्त 32 GB लिख दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट है अंदर जिसे मैं ओपन करूँ, ये देखिए, जहाँ पर आप अपने कैमरा के सेल वगैरह, बैटरीज हो गई, यूवी फिल्टर हो गया, एसडी कार्ड हो गया, वो सब रख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाह रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ बैग क्वालिटी की, तो बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। तो वैसे ये कपड़ा अभी वाटर रेजिस्टेंट लग नहीं रहा है, पर हो सकता है आंखें धोखा दे रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ साइज़ कंपैरिजन की,
तो देखने में ये करीब करीब ये जियोलाइट का जो बैग है उसके बराबर ही दिखता है। ये वो बैग है अभी तक जो मैं यूज़ कर रहा था और ये है अभी जो मंगाया है। बाकी और भी देख ले तो इसमें एक साइड बॉटल होल्डर है और यहाँ इसका रेन कवर वगैरह रहता है। कंपार्टमेंट इसमें एक है और बाकी ये इसके अंदर का कंपार्टमेंट है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, इसमें भी ये दिया हुआ है एडजस्टेबल वेलक्रो कंपार्टमेंट्स। तो ये देख लो इस बैग का वॉल्यूम, दिखने में बाहर से भले ही दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है इस बैग के मुकाबले। और जो कंपैरिजन किया जाए जिसमें ये बैग ज़्यादा बेहतर है इस जीए लाइट के बैग से, वो है ये वाला बैग है वाटर रेजिस्टेंट, ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। और इसका रेन प्रूफ कवर भी इतना ख़ास है नहीं, मैंने इसे टेस्ट किया था, पानी अंदर चला जाता है। ये रहा ये बैग गाइस, ओवरऑल तो ये बैग बहुत ही बढ़िया है अभी के फिलहाल। अभी जैसा ये लग रहा है इसे कुछ दिनों में यूज़ करूँगा, उसके बाद आपको अच्छी तरह से बता पाऊँगा कि बहुत बढ़िया है या नहीं। बाकी सबसे अच्छी बात ये है इन्होंने इसमें ये जो स्ट्रैप दे रखा है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि कई बार होता है जब चेन लगाना भूल जाते हैं या चेन ढीली हो जाती है तो खुल सकता है और इस तरह से ओपन होगा तो अब सारा आपका गियर नीचे गिर सकता है। तो ये स्ट्रैप एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का काम करेगा, उसे बचा के रखेगा। बाकी अगर आप यहाँ कोई बड़ी लंबी चीज़ फंसाएंगे तो उसको इस स्ट्रैप से भी सपोर्ट मिलेगा। सो गाइज, यही था हमारा आज का प्रोडक्ट और इसकी जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने अभी अभी आपको दिखाई है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए माफ़ करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।